सीधी में हुई बस दुर्घटना के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह प्रवेशम कार्यक्रम को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि आज हम बड़े उत्साह से 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न करने वाले थे, लेकिन सुबह एक दर्दनाक हादसे की खबर मिली जिसके चलते ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। सीएम शिवराज ने बताया कि सवेरे 8 बजे सूचना मिली कि सीधी के शारदा पाटन गांव में बाणसागर की नहर में यात्रियों से भरी एक बस गिर गई है। बाणसागर की नहर काफी गहरी है, हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, SP, SDRF की टीम वहां मौजूद है। हाइड्रा क्रेन, सारे संसाधन पहुंच गए हैं, एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी सभी व्यवस्थाएं वहां की हुई हैं। और हमारी भरसक कोशिश यह है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है, इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा, कार्यक्रम किसी दूसरे दिन रखा जाएगा। शिवराज ने कहा कि मैं भी तुरंत राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में हूँ, 7 साथी बचाए जा चुके हैं, कोशिश ये है कि अपने भाई बहनों को सुरक्षित बचा पाए। हादसे के चलते शिवराज ने कैबिनेट बैठक भी स्थगित कर दी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम बड़े उत्साह से 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न करने वाले थे, लेकिन सवेरे 8 बजे ही मुझे ये सूचना मिली, सीधी जिले में बाणसागर की नहर में शारदा पाटन करके गांव है, वहाँ यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। बाणसागर की नहर काफ़ी गहरी है, हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया, कलेक्टर, SP, SDRF की टीम वहाँ है, हाइड्रा क्रेन, सारे संसाधन पहुँचे हैं, बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं, एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की हुई है। और हमारी भरसक कोशिश ये है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है, इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। मैं भी तुरंत यहाँ से राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में 8 बजे से ही हूँ, लगातार उन्हीं के संपर्क में रहना चाहता हूँ। 7 साथी बचाए जा चुके हैं जो निकल गए थे पहले, कोशिश ये है कि अपने भाई बहनों को सुरक्षित बचा पाएं। और मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थान पर भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि सुरक्षित वो निकल आए। आज का कार्यक्रम हम स्थगित करते हैं, इसको फिर और किसी अवसर पर करेंगे। और आज सारे राहत के कामों की देखरेख के लिए 2 मंत्री साथी हम लोगों ने कैबिनेट की आपात बैठक अभी बुलाई और ये फैसला किया कि अभी कैबिनेट की बैठक स्थगित रहेगी। आज PM आवास के गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी हम लोगों ने स्थगित किया। पहली प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य की है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।